स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कल संपन्न होने वाले हैं, जिसको लेकर आज जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को मतदान दल को दिया गया, जहां ईवीएम मशीन के साथ साथ अन्य सामग्री भी मतदान दल के कर्मचारियों को प्रदान की गई। जहां इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मतदान दल को सामग्री देकर रवाना किया गया है, जहां मतदान दल के लिए 530 बसों अधिग्रहण किया गया है, जो कि मतदान दल के कर्मचारियों को उनके मतदान केंद्र तक पहुंचाएगी, जहां बसों में जीपीएस सिस्टम भी इस बार लगाया गया है। जहां जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान दल को मतदान सामग्री जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्ट्रांग रूम से दी गई है, जहां कर्मचारियों को अलग अलग काउंटर्स के माध्यम से अलग अलग विधानसभा के लिए मतदान सामग्री दी गई है। जहां जबलपुर जिले में 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पुलिस की व्यापक व्यवस्था चुनाव के मद्देनजर रखी गई है। वहीं जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जबलपुर में लगभग 7500 सुरक्षा कर्मियों का बल लगाया गया है, जहां मतदान दल के साथ सुरक्षा बलों को भी रवाना किया गया है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जिस तरीके से यहाँ पर मतदान सामग्री का वितरण हो रहा है, क्या कुछ सुरक्षा पार्टियाँ रवाना की जा रही हैं, किस तरीके से इंतजाम है पूरे जिले में? देखिए, आज मतदान की जो पार्टियाँ हैं वो रवाना हो रही हैं और सभी पोलिंग पार्टीज़ के साथ सुरक्षा बल लगाए गए हैं। क्रिटिकल मतदान केंद्र और अन्य जो ECI की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई मतदान पार्टियों के साथ हाफ सेक्शन CAPF है और सभी कई जो मतदान पार्टी के साथ SAF है, कई जगह जिला बल का स्टाफ लगा है और ये सभी लोग आज एक साथ बस में पार्टियां रवाना हो रही हैं और आज ये शाम को पहुंच के और कल पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को पीसफुली कंडक्ट करेंगे। देखो कितना फोर्स जिले को मिला है? देखिए, करीब टोटल जो इस उसमें फोर्स लगा है करीब 7500 के आसपास का जो फोर्स है इसमें लगाया गया है, जिसमें CAPF है, जिला बल है, फॉरेस्ट है, होमगार्ड्स हैं और साथ में SPOs हैं और सभी लोग आज जो है पोलिंग के लिए रवाना हुए। कुछ राउंडअप भी कराए हैं चुनाव को लेकर के जो आपकी संवेदनशील क्षेत्र है? देखिए, जो भी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, वल्नरेबल हैमलेट्स हैं, सभी जगह बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है और जहाँ भी इनका प्रिवेंटिव कार्रवाई का उल्लंघन हुआ है वहाँ पर लोगों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया है। अभी ये हम लोग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे सभी मतदान दलों के लिए अलग से पृथक पृथक कुर्सी टेबल की व्यवस्था की गई थी। अपने यथास्थान वो आके बैठे हैं, वहीं पे उनको संपूर्ण सामग्री और EVM VVPAT उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है और टीमें अब रवाना होना शुरू हो गई है। लगभग कितने मतदान केंद्र हैं? 2130 पोलिंग स्टेशन है और प्लस टू उसको माने दो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है, तो 2132 स्थानों पे निर्वाचन का कार्य कल सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुआ। सुविधाजनक कर्मचारी भी इस बात को मान रहे हैं कि उन्हें सारी मशीनें और सबको टेबल बाय टेबल, किस तरह से अरेंजमेंट इस बात को लेकर के किया जाता है कि कर्मचारी परेशान ना हो? अमूमन काउंटर पे लाइंस में लगना पड़ता है उनको, तो लंबे समय खराब होना पड़ता है और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनती है, तो उस चीज़ को फोर्सी करते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि उनको सिर्फ आके अपना स्थान ढूंढ के बैठ जाना है, सारी सामग्री हम लोग वहाँ तक पहुँचा दें, क्योंकि लगभग यहाँ पर 10,000 पोलिंग पर्सनल हैं और उनको यदि लाइन में लगाया जाता तो उसको मैनेज करना थोड़ा कठिन होता और एक पाली में हम लोग ये कार्य कर भी नहीं पाते, तो उस हिसाब से इस मैनेजमेंट को हम लोगों ने देखा और आसानी से लोगों को अपना जो है सामग्री प्राप्त हो गई है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है, अभी कुछ कर्मचारी हैं जो बीमार भी हैं, कुछ पड़े उनको रेफर भी करना पड़ा, इस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर है।
वो जो पूरा प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ इतने लोग हैं उस हिसाब से जितने मेडिकल कैंप लगाने थे उस हिसाब से डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई थी, एम्बुलेंस को भी यहाँ पे खड़ा रखा गया था क्योंकि अब 10,000 लोगों में कुछ लोग अचानक स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा जा रहा है, जिनको प्राथमिक उपचार करके छोड़ा जा सकता था उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में उनको रेफर करते हैं। दूसरा एक कंट्रोवर्सियल स्थिति हो रही है, मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंध किए गए हैं, जो मीडिया पर्सन रहे हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, क्योंकि मोजो किट से ही आजकल सारी कवरेज की जा रही है, किस तरीके से गाइडलाइन उनके लिए होंगे? उसके लिए मुझे मार्गदर्शन लेना होगा कि जिनका मोबाइल से ही कवरेज होता है उनको किस प्रकार से डील किया जाए, अदरवाइज़ जो ट्रेडिशनल कैमरा होते हैं या वीडियो कैमरा होते हैं उनसे फुटेज लेके फिर उसका उपयोग मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है, उस पर हम लोग जानकारी लेके फिर गाइडलाइन जारी करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।